नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का पुनः दिव्यांगजनों के सबसे लोकप्रिय चैनल डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब में स्वागत करता हूं। मित्रों, लगातार बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा बनाए गए चैनल डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब पे लगातार कमेंट आ रहे हैं कि नगर निगम नगर पंचायत में जो सरकार के द्वारा दुकानें बनती है उसमें दिव्यांगजनों को जो 5% का आरक्षण है वह वहाँ के दिव्यांगजनों को नहीं मुहैया कराया जा रहा है। जिसके बाद डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब ने इस कमेंट को देखते हुए उन्होंने बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से आग्रह किया कि उनके द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उस पर एक वीडियो बनाकर दिव्यांगजनों को आश्वस्त किया जाए कि नगर निगम में जो भी सरकार द्वारा दुकानें बनती है उसमें 5% का जो आरक्षण है वो है, आप उसको, आपका हक है, आप उसको जरूर लें। आइए, जो लेटर जारी हुआ था उसमें किसके नाम से जारी हुआ था उस पर मैं आपको आगे पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लेटर जारी हुआ था जिसमें प्रेषक बनाया गया था, प्रेषक थे अपर सचिव सह उप निदेशक नगर विकास एवं आवास विभाग। इसमें लिखा गया था सेवा में प्रबंध निदेशक बिहार राज्य आवास बोर्ड, प्रबंध निदेशक सह नगर आयुक्त पटना मुजफ्फरपुर भागलपुर एवं बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड। कहने का मतलब क्या है कि जो भी स्मार्ट सिटी के लिए शहर चुने गए थे उन तमाम शहरों में जो प्रशासन के द्वारा जिला के द्वारा जो सरकारी भवन बनेंगे उनमें जो दुकान खुलेंगे उसमें 5% दुकान जो है दिव्यांगजनों को देना अनिवार्य है। इसमें नगर आयुक्त, सभी नगर निगम बिहार शरीफ, सभी नगर निगम मुजफ्फरपुर पटना भागलपुर, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत बिहार को सूचित किया गया था। इसमें लिखा विषय था दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों को सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें लिखा गया था महाशय, आपको यह भी दिखा दें कि यह लेटर जो है 18/12/2019 को आयुक्त कार्यालय से जारी किया गया था। इसमें बताया गया था, लिखा गया था महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग बिहार के विभिन्न बैठकों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में निहित प्रावधान एवं सिविल राइट पिटीशन नंबर 116/1998 जस्टिस सुनंदा भांद्रे फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडियन में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु निर्देश दिए गए जिनमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। नंबर 1, दिव्यांगजनों को सुविधा हेतु व्यावसायिक भवनों में नक्शा पारित करते समय दिव्यांगजनों के सुगमता के लिए रैंप के निर्माण करने का प्रावधान कराया जाए तथा इसके लिए आवश्यक हो तो बिल्डिंग बाय लॉ में प्रावधान कराया जाए। दूसरा था, नगर निकायों द्वारा अपनी भूमि में दुकान बनाकर यदि उन्हें आमजनों को आवंटित किया जाता है तो इसमें दिव्यांगजनों के लिए 5% का आरक्षण का प्रावधान कराया जाए, जो कि साफ लिखा हुआ था। 3 नंबर में था, बिहार राज्य आवास बोर्ड के भवनों एवं भूमि के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए 5% का आरक्षण का प्रावधान कराया जाए। 4 नंबर में था, स्मार्ट सिटी के प्लानिंग में दिव्यांगजनों के लिए सुगमता, बाधा रहित परिसर, वातावरण उपलब्ध कराने के प्रावधान सुनिश्चित कराए जाए। 5 नंबर में था, शहरी क्षेत्र के फुटपाथ एवं रोड डिवाइडर के दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाने का प्रावधान कराया जाए। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित निर्देश में दिव्यांग अधिकार 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन अविलंब सुनिश्चित कराने के संबंध में। तो मित्रों, आप जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं आप सभी को ये कंफर्म हो गया है कि जो नगर निगम में नगर पंचायत में नगर परिषद में जो भी सरकारी दुकानें बनेंगी उसमें 5% दिव्यांगों का आरक्षण है, आप ज़रूर इसका लाभ लें और अपना जीवन यापन अच्छे से करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।